अगली खबर में बात करते हैं ओबीसी महासभा को लेकर। एक बार फिर आरक्षण का जिन्न जागा है और प्रतिभाओं का गला घोटने की तैयारी में है। यह जिन्न चुनाव आते ही विकराल रूप ले सकता है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया तो वहीं ओबीसी अब 27% आरक्षण की मांग की है। हालांकि ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी मांग 51% की है। हाल ही में गुजरात में चुनाव है जिसके चलते आरक्षण की मांग शुरू हो गई। और राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पदाधिकारियों ने कहा कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद भी ओबीसी अभी भी बहुत पिछड़ा है। आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के साथ अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की है। आइए सुनाते हैं क्या मांग की है। साथियों, आजादी का 75 साल बीत गया और बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी और उसी मंशा के हिसाब से उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा और वो आरक्षण और वो संविधान 75 साल के बाद भी लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ना तो एससी एसटी की भागीदारी पूरी हुई और ओबीसी का तो कुछ है ही नहीं है। ओबीसी तो इसकी कोई गिनती नहीं है, ये तो गिनती में ही नहीं आया अभी तक 75 साल तक। तो ये हम लोगों का जो संगठन है वो संगठन पूरे देश में ओबीसी समाज और एससी एसटी सबको इकट्ठा करेगा, अपनी ताकत बनाएगा और आने वाले समय में अपनी पूरी भागीदारी लेगा, अपने दम पर भागीदारी लेगा। आज जरूर है कि हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं और हाथ हम इसलिए फैलाते हैं कि हमारे समाज का सारा वोट उनके हाथ में चला जाता है और जिसके हाथ में ज्यादा वोट जाते हैं वो मजबूत होता है और पूरा देश फिर कमजोर उनके सामने भिखारी की तरह खड़ा रहता है। तो यदि हम अपने वोट को संगठित कर लिए, हम अपने वोट को अपने लोगों को दिलवाने में सफल हो गए तो जो आज हम इनसे मांग रहे हैं ये कल हमसे मांगेंगे। तो हम लोग इस नियत पे हैं, इस तैयारी पे हैं कि भीख मांगने वाला समाज आज भीख देने के लायक हो गया है और हम खेत खलिहान में मेहनत मशक्कत करने वाले लोग आज इनके सामने हाथ फैलाए हैं। तो हम मेहनत करने वाले लोग इकट्ठे होंगे और आने वाले समय में हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।